नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 13 एजेंडों पर लगी मुहर, शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पढ़ाई की तो MBBS के बाद ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करनी ही होगी, सरकार ने बनाया नियम। कोरोना काल में नहीं होगी मीटर रीडिंग की समस्या, सुविधा ऐप पर अब आसानी से मिलेगी बिजली बिल, जानिए कैसे। बिहार के 27,000 स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेशन में जाएंगे, मरीजों के इलाज पर पड़ेगा असर। महिला ने लगाया इलाज में लापरवाही और छिड़खानी का आरोप, हॉस्पिटल पहुंचकर ASP और SDM ने की मामले की जाँच। पप्पू की गिरफ्तारी के बाद भड़के मांझी, कहा ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक, जन आक्रोश होना लाजमी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच अब रुलाने लगा सरसों तेल और रिफाइन, आसमान छू रही है कीमतें। कोरोना काल में अपने घर लौटे बिहार के शहरी प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा रोजगार, जाने कहां काम देगी स्थानीय नगर निकाय। बिहार में प्राइवेट अस्पतालों की मची लूट, RT-PCR से लेकर एंटीजन टेस्ट के नाम पर मरीजों से वसूली जाती है मोटी रकम। बिहार में युद्ध स्तर पर चलेगा कोरोना टीकाकरण का अभियान, अब स्कूल और कॉलेज में भी बनेगा वैक्सीनेशन सेंटर। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, मुख्य सचिवालय में चल रहे नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कोरोना काल में नीतीश सरकार ने लगभग 3.25 लाख शिक्षकों के वेतन भुगतान की मंजूरी दे दी है। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश सरकार ने शिक्षकों के वेतन की मंजूरी दे दी है। सरकार ने 3.25 लाख शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 1716 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके अलावा कोविड टीकाकरण को लेकर 1000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। नीतीश सरकार ने गांव-गांव में MBBS डॉक्टरों की तैनाती का फैसला किया है। इसके लिए 2580 पद सृजित किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इन डॉक्टरों की बहाली संविदा के आधार पर की जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की हिस्सेदारी होती है। शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि केंद्र के हिस्से की राशि भी तत्काल राज्य सरकार ने अपनी निधि से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब शिक्षकों के लगभग 2 महीने का बकाया वेतन का भुगतान तुरंत हो जाएगा। बिहार के किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की तो डिग्री मिलने के बाद सूबे के ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करनी ही होगी। बिहार सरकार ने ये नया नियम बना दिया है। राज्य कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से MBBS की डिग्री लेने वालों को अनिवार्य तौर पर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात करने का फैसला लिया गया है। यानी जो भी बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करेंगे, उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाकों में तय समय तक नौकरी करनी होगी। हालांकि ये अस्थायी पद होगा। MBBS पास करने वालों को संविदा के आधार पर नौकरी करनी होगी। सरकार ने इसके लिए 2580 पद स्वीकृत किए हैं। यदि आप बिजली बिल को लेकर परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विद्युत विभाग ने उपभोक्ता के लिए एक ऐप बनाया है, जिसके जरिए बिजली बिल को आसानी से जनरेट किया जा सकेगा। इसके लिए किसी कर्मचारी के घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब घर बैठे लोग खुद अपने मीटर की रीडिंग कर पाएंगे। कोरोना काल में विद्युत उपभोक्ता अब अपना मीटर रीडिंग खुद कर पाएंगे। इसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बिजली विभाग ने उपभोक्ता को यह सुविधा दी है। इसके तहत अब उपभोक्ता अपने मीटर की रीडिंग करके उसे बिजली कंपनी को भेजेंगे, जिसके बाद उन्हें बिजली बिल मिलेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यह व्यवस्था की गई है। इसके तहत पिछला बिल बनने के 35 दिन बाद या पिछला बिजली बिल भुगतान करने की अंतिम तिथि के 20 दिन बाद सुविधा ऐप के माध्यम से निर्देशों का पालन कर बिजली बिल बना सकेंगे। इसके साथ ही पहले की तरह भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। बिहार में कोरोना महामारी के इस दौर में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा में लगे स्वास्थ्यकर्मियों ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक राज्य के लगभग 27,000 स्वास्थ्यकर्मी आज यानी कि 12 मई से होम आइसोलेशन में जाएंगे। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ ने सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ यह कड़ा कदम उठाते हुए होम आइसोलेशन में जाने का निर्णय लिया है।
संघ का कहना है कि कई बार स्मार पात्र दिए जाने के बावजूद बिहार सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सोमवार को संघ की ओर से इस निर्णय की कॉपी राज्य के सभी जिलों में सिविल सर्जन सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करा दी गई है। अब 12 मई से 27,000 स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेशन में जाएंगे। जाहिर है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के होम आइसोलेशन में जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका काफी असर पड़ेगा। प्राइवेट नर्सिंग होम पर इलाज में लापरवाही और महिला से छेड़खानी के आरोप की जांच के लिए भागलपुर SDM अनु कुमारी और SSP पूरन झा ग्लोकल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां हॉस्पिटल प्रबंधन और नर्सिंग स्टाफ से पूछताछ की गई। मीडिया में खबर आने के बाद मामले की जांच में पहुंचे अधिकारियों ने इस संबंध में मीडिया से बातचीत नहीं की। हालांकि भागलपुर की SSP नताशा गुड़िया ने फोन पर ये जानकारी दी कि महिला के आरोपों की जाँच की जा रही है। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन भी मीडिया के सामने नहीं आया। गौरतलब है कि होली के मौके पर पति संग नोएडा से भागलपुर आई महिला करीब एक माह से परेशान थी। अचानक उनके पति की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद 3 अस्पतालों में पति को भर्ती कराया, लेकिन उसे नहीं बचा पाई। डॉक्टर, कंपाउंडर और अस्पतालों की कुव्यवस्था के कारण उसके पति की मौत हो गई। एक माह के दौरान कई बार अस्पतालों के डॉक्टरों से लेकर कंपाउंडर तक ने महिला से गंदी हरकतें की। पति को बचाने के लिए पत्नी सब कुछ सहती रही। जब पति की मौत हुई तो महिला ने सबको बेनकाब करने की ठान ली। हमारे इस चैनल में ठीक इस वीडियो के पहले उस वीडियो को दिखाया गया है, जहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक शुरू हो गई है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी सामने आए हैं। इस मामले को लेकर जीतन राम मांझी खुद अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ट्वीट पर लिखा है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए, ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जाँच हो, तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। पप्पू यादव के समर्थन में RJD भी सामने आई है। RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। कोरोना काल में सरकार नाकाम साबित हो रही है। चारों ओर कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जनता भगवान के भरोसे है, सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उस पर सरकार कार्रवाई कर आवाज को दबाने का काम कर रही है। लॉकडाउन की इस मार में फिर एक बार खाने पीने के सामान और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। हर घर में उपयोग किए जाने वाले सरसों तेल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। तेल के बढ़े हुए दाम के कारण अधिकांश रसोई घरों में तेल बाहर होता जा रहा है। 5 लीटर तेल का मूल्य जहां पहले 440 था, वहीं अब इसका मूल्य बढ़कर 800 रुपया हो गया है। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल की भी दाम आसमान छू रही है। महंगाई की मार झेल रही महिलाओं ने खाद्य पदार्थों में तेल का उपयोग कम कर दिया है। महंगाई के इस दौर में बिहार के कई बाजारों में खुला सरसों का तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है, जिसके वजह से ग्राहक सिर्फ 100 ग्राम तथा 250 ग्राम तेल खरीद रहे हैं। रिफाइन के मूल्य में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरसों के तेल और डीजल पेट्रोल के दामों में आए उछाल से लोगों में काफ़ी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लोगों का मानना है कि व्यापारियों द्वारा जमाखोरी के कारण तेल के मूल्य में वृद्धि हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को पहल कर अविलंब इस जमाखोरी को दूर कर आसमान छू रहे तेल के दाम पर नियंत्रण करना चाहिए। कोरोना काल के दौरान लौट रहे प्रवासी शहरी श्रमिकों को स्थानीय नगर निकाय रोजगार उपलब्ध कराएंगे। नगर विकास व आवास विभाग में नवगठित नगर पालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय की ओर से सभी नगर निकायों को इसके लिए आदेश जारी किया गया है। निदेशालय के संयुक्त सचिव ने सभी नगर निगमों के नगर आयुक्त व सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में वैश्विक कोरोना महामारी के फलस्वरूप बेरोजगारी एवं आर्थिक संकट को दूर करने के लिए रोजगार सृजन के लिए कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, ताकि वर्तमान आर्थिक संकट को दूर किया जा सके। ऐसे में सभी शहरी निकाय रोजगार सृजन के लिए कार्रवाई कर सकते हैं।
कोरोना महामारी प्रलयंकारी रूप अख्तियार कर रहा है, इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में दहशत व्याप्त है। अब तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग बीमार पड़ने पर इलाज कराने में भी असमर्थता जता रहे हैं। कोरोना के डर से ग्रामीण चिकित्सक भी कोरोना मरीजों का इलाज करने से डर रहे हैं। वहीं बेगूसराय के बड़े अस्पताल में लोगों का इलाज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सर्वप्रथम इमरजेंसी मरीज को लेकर जब बेगूसराय के बड़े प्राइवेट अस्पताल पहुंचते हैं तो बेड खाली नहीं होने का बहाना बनाया जाता है। अगर काफ़ी मशक्क़त के बाद अस्पताल प्रबंधन मरीज को एडमिट कर लेता है तो एक दो दिनों के इलाज में ही लाखों रुपए का बिल दे दिया जाता है। ऐसे में गरीब लाचार लोग अपने हाल पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। सुजानपुर निवासी 56 वर्षीय सुनील शाह की मौत सोमवार को कोरोना संक्रमण से हो गई थी। मृतक का पुत्र विकास कुमार ने बताया कि बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में एंटीजन जांच का फीस 1500 है, जबकि आरटीपीसीआर के जांच का फीस 2500 रुपये वसूला गया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन पर धांधली का आरोप भी लगाया गया है। बताया गया है कि सरकार प्राइवेट अस्पतालों पर कमान नहीं रख पा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है। अब 18 से 44 वर्ष तक के लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा रहा है। इस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल व कॉलेजों में टीकाकरण केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति का कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों का सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इस आयु वर्ग के लाभार्थियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए टीकाकरण सत्र स्थल को कोविड-19 का जांच एवं उपचार किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य संस्थान परिसर से अलग रखे जाने का निर्णय लिया गया है। टीकाकरण पूर्व से संचालित स्वास्थ्य संस्थानों से अलग सरकारी स्कूल कॉलेजों में आयोजित किया जाना है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।